चलिए आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। बात नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शायद सबसे क्रांतिकारी फैसले की। मतलब क्या 2029 में एक साथ चुनाव हो जाएंगे सारी राज्य विधानसभाओं के, सारी लोकसभाओं के? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की बहुत बड़ी खबर है। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा चुकी है। आज देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट, इस फैसले को देश का राजनीतिक भाग्य बदलने वाला फैसला कहा जा रहा है। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन समझिए, बहुत क्रांतिकारी फैसला है कि सारी राज्य की विधानसभा 29-30 राज्य और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाएगा। संभवतः क्या वो 2029 में हो जाएगा? अब उससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं, और इसको लेकर आज मोदी सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई। हालांकि एक देश एक चुनाव लागू करने का फैसला मोदी सरकार काफी पहले ही कर चुकी थी। इसको लेकर आपको बताते हैं, मोदी 2.0 में तैयारी शुरू हो गई थी, 19 से पहले भी प्रधानमंत्री का बयान आया था। मोदी सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई थी। सारे चेहरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नाम आप पढ़ सकते हैं। कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने 191 दिनों तक सभी स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट दे दी गई कि यहां होने चाहिए। 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार इस कमेटी के सामने रखे, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से कमेटी बनाएगी, सब कुछ हुआ। 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे, 32 बहुत बड़ा नंबर है। कांग्रेस सहित 15 राजनीतिक दल इस प्रस्ताव के खिलाफ है, 15। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 5 बड़ी बातें कही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली, सभी विधानसभा को कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। मतलब इसको इस तरह से समझिए कि अब चुनाव नहीं हो, अगर किसी का अभी खत्म हो रहा तो उसको 2029 तक बढ़ा दिया जाए, फिर सीधा डायरेक्ट अब 2029 में चुनाव होंगे। अब जिसमें कांग्रेस की राज्य कांग्रेस की सरकार है उनको फायदा होगा, जहां बीजेपी की है कि अब सीधा 29 में चुनाव, पहला सुझाव। दूसरा, पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तीसरा, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं, 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी के। मतलब ये सब आप एक ही समय में 2-3 महीने में सारा प्रोसेस खत्म हो जाए, फिर 4.5 साल कोई चुनाव नहीं। भारत में होता ना 24 घंटे, 300 दिन, 12 महीने हम चुनावी मोड में रहते हैं, कोई ना कोई दिन कहीं ना कहीं चुनाव होता है। चौथा, सुनिए, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा इससे। पांचवा, इसके बाद कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। अब देखिए, जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है वो तो कह रहे हैं कि प्रशासनिक क्षमता इससे बढ़ेगी, बर्बादी पैसे की इतनी, कभी ये चुनाव कभी वो चुनाव, वो सब खत्म हो जाएगा। इसे लागू हो जाने पर बड़े पैमाने पर बर्बादी, प्रशासनिक क्षमता बेहतर होगी, है ना, और विकास के कार्यों पर ध्यान होगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है तो फिर काम ही नहीं हो पाता। एक ही बार चुनाव होगा तो वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा। विपक्षी पार्टियों का कहना कि साहब लोकतंत्र में ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, विरोध हो रहा है इसका, सुनाते हैं आपको। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, दैट दोज रिकमेंडेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड टुडे बाय द यूनियन कैबिनेट। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। नीतियां बदस्तूर जारी रहेंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में आ सके, इसलिए ये
एक ऐसा फैसला है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे और देश को इसका व्यापक लाभ आने वाले वर्षों में मिल सकता। खुलकर के पीपल डोमेन में बातों को केंद्र की सरकार को रखनी चाहिए। दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में भारत का एक पहला स्थान है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है इस देश के अंदर भी। हमें कोई ये बता दे ये लागू कब से होगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनावों से पहले कहा था अगर कार्यकाल तीसरी बार मोदी सरकार बहुत क्रांतिकारी फैसलों का कार्यकाल होने जा रहा है। अभी तो एपेटाइजर है, मेन कोर्स है। मेन कोर्स सोचिए मतलब वक्त होने जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। थोड़ा इतिहास पे चलते हैं। जो कांग्रेस पार्टी आज एक देश एक चुनाव का विरोध कर रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं सबके चुनाव एक साथ हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। पहले होता था साहब, पहले होता था और कांग्रेस के समय में ही इसकी शुरुआत हुई थी। आपको जानकर हैरानगी होगी, अगर नहीं पता तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं देश में। शुरुआत में 4 चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 4 चुनाव आजादी के बाद 1951 पहला चुनाव से लेकर 67 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए हैं। नेहरू जी के टाइम हुए हैं, कांग्रेस के समय हुए। पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ। इस दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। फिर 57, 62, 67 तक सब कुछ ठीक रहा। इनफैक्ट 71 तक सब कुछ ठीक रहा क्योंकि 67 के बाद 72 में चुनाव होने थे। तो 4 चुनाव हुए लोकसभा विधानसभा के साथ में। लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव साथ होते गए 1967। 4 बार एक साथ चुनाव होने के बाद पहली बार 1967 में इसमें बदलाव हो गया था। वहां से कहानी शुरू हुई। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कहानी सुनिएगा। उस समय पहले कांग्रेस पार्टी ने दूसरी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन की सरकार बनाई जिसमें सीबी गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस सरकार एक महीने भी नहीं चल पाई। फिर चौधरी चरण सिंह ने भारतीय जनसंघ पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई लेकिन यह गठबंधन सरकार भी नहीं चल पाई। चौधरी चरण सिंह ने एक साल बाद इस्तीफा ही दे दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। धीरे धीरे यही सिलसिला फिर कई राज्यों में भी शुरू हो गया। अब सुनिए, देश में जब 1967 में एक साथ चुनाव हुए तो नियमों के मुताबिक अगले एक चुनाव कब होने चाहिए? 72, 1972। लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा को 1970 में डिसॉल्व कर दिया। दिसंबर 1970 रेडियो में अनाउंसमेंट हुई, समय से पहले 15 महीने पहले 71 में चुनाव करा दिए। जो चक्र चल रहा था ना लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव कराने का, इंदिरा गांधी ने उस चक्र को तोड़ा। 27 दिसंबर 1970 की रात रेडियो पर इंदिरा गांधी ने लोगों को संबोधित किया। उनके से एक ऐलान से रातों रात चले आ रहे एक देश एक चुनाव की परंपरा को तोड़ दिया गया। लोकसभा को दिसंबर 1970 में भंग करके चुनाव से 15 महीने पहले चुनाव की घोषणा कर दी गई कि 72 में नहीं अब 71 में होंगे चुनाव। यह पहला मौका था जब आजाद भारत में लोकसभा को डिसॉल्व किया गया था। इसी तरह से एक देश एक चुनाव की चली आ रही व्यवस्था का क्रम टूट गया। उसके बाद समय समय पर एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा होती रही लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। साल 2018 में पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि क्या देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और अब एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन वाकई पॉसिबल है, संभव है। One nation, one election.